नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया दोस्तों, जाइए ना इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। तो दोस्तों, IRCC की स्ट्राइक ओवर हो गई है, तो ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड थे क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम को लेकर तो पहले भी बहुत ज़्यादा इश्यूज रेज हुए हैं। ऐसे में जब वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं, इसका मतलब बैकलॉग्स तो बढ़ते जा रहा है क्योंकि एप्लीकेंट्स तो अप्लाई करेंगे ही ना भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन, पेपर बेस्ड एप्लीकेशन तो रेज होंगे ही। तो ऐसे में जब वो लोग वापस काम पर आएंगे तो उस पर बैकलॉग बहुत ज़्यादा होगा। तो मैंने जितना एंटिसिपेट किया था उससे कम ही स्ट्राइक चली है, बट हर एक दिन कितने हज़ार एप्लीकेशंस IRCC को आते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ऐसे में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सही टाइम पर, या फिर मैं ये कहूँगा कि सही टाइम, या ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये बंद हो गया, ये बहुत जल्दी है। जितना जल्दी ये बंद हो जाए उतना अच्छा है। अभी भी कुछ स्ट्राइक है बट वो IRCC के लिए नहीं है, वो CRA वर्कर्स का डील अभी भी रीच नहीं हुआ है, तो उनकी स्ट्राइक कंटिन्यू है। होपफुली वो भी जल्दी काम पे लौटे और डील रीच हो जाए, बट बाकियों के लिए हो गया है। तो IRCC वापस आ रही है काम पर, तो उम्मीद करता हूँ कि हम अब जल्दी ही नॉर्मलाइज सिचुएशन देखेंगे और हम इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। धन्यवाद, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।